नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं साहिल कुमार और ये हैं आज की खास खबरें। हिना खान की गिनती छोटे पर्दे के बड़े सितारों में की जाती है। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों की तादाद लाखों में है। हिना सोशल मीडिया पर लगातार अपनी तस्वीरों को शेयर करती रहती हैं। हाल ही में हिना ने अपनी कुछ तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में वह खूबसूरत फ्लोरल ड्रेस में नजर आ रही हैं। आगे देखें हिना खान की ग्लैमरस तस्वीरें। हिना खान हाल ही में एकता कपूर के मशहूर डेली सोप कसौटी जिंदगी की के सीजन 2 में मशहूर विलेन कमोलिका का किरदार निभाया था। माहिरा शर्मा की मां सानिया शर्मा बिग बॉस में अपनी बेटी को जाने के बाद उनके खेल को लेकर अक्सर अपनी बात कहती रहती हैं। एक प्रसिद्ध अखबार से बात करते हुए सानिया ने कहा है, माहिरा पारस के प्यार में नहीं है। उन्होंने कहा है कि माहिरा और पारस सिर्फ दोस्त हैं। अपनी बेटी के बयान के बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि माहिरा ने पारस को लेकर ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह शहनाज गिल के लव ट्रायंगल वाले गेम को रोकना चाहती हैं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। सानिया शर्मा ने कहा कि वो अपनी बेटी के खेल को बेखूबी जानती हैं। उन्होंने कहा कि शहनाज गिल ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि माहिरा पारस और उनके बीच लव ट्रायंगल है, लेकिन माहिरा ये सब पसंद नहीं कर रही हैं। इसलिए सना को ये सब बकवास करने से रोकने के लिए माहिरा ने ये सब किया है। रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला के झगड़े ने काफी तुल पकड़ लिया है। इस मामले पर अब बिग बॉस के एक्स प्रतियोगी मनु पंजाबी का रिएक्शन आया है। मनु ने ट्वीट पर कहा, सिद्धार्थ शुक्ला की कल रात हुए झगड़े में कोई गलती नहीं थी, ये समझ आ रहा है सबको। सिद्धार्थ ने एक शब्द गलत बोला, उसके लिए हजार बात सुन भी ली, अब तो खत्म करो। रश्मि देसाई जी, आप चुपचाप सुनकर रह जाती तो समझ आता, आपने भी तो परिवार तक को नहीं छोड़ा। कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें सलमान खान, वह खुद और सुनील ग्रोवर दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है। फैन ने इस तस्वीर के नीचे कमेंट में लिख रहे हैं कि आप जल्द ही साथ आ जाओ और काम करो, जबकि कपिल ने इस तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा, भाइयों की रात, हैप्पी बर्थडे सोहेल खान भाई। इसी के साथ ही कपिल ने सलमान के साथ सुनील को भी पोस्ट में टैग किया है। बता दें कि बीते दिनों गैलेक्सी अपार्टमेंट में बॉलीवुड अभिनेता सोहेल खान का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सलमान खान ने कपिल और सुनील को भी इनवाइट किया था। गाने का रियलिटी शो इंडियन आइडल में एंकर मनीष पॉल की होस्ट के रूप में वापसी हुई है। वह इंडियन आइडल सीजन 10 के सलमान अली और विभोर नितिन जैसे प्रतियोगी के साथ अगले सप्ताह आने वाले इंडियन आइडल सीजन 11 शो में शामिल होंगे। मनीष ने कहा, इंडियन आइडल के स्टेज पर वापस आने के लिए मैं उत्साहित हूँ। पिछला सीजन शानदार रहा, जिसे याद किया जाएगा। मैं खुद आनंद का अनुभव करना चाहता हूँ, क्योंकि इस सीजन में प्रतियोगी बहुत ही शानदार और सीजन 10 के प्रतियोगी द्वारा चुनौती दी जा रही है। ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। ये थी टीवी जगत की अहम 5 खबरें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए देखते रहें हिंदी रश। लाइक करें, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।